أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العلي العظيم. हमारी गुफ्तगू इन दो आयतों के ज़िल में चल रही थी और तकरीबन इन दोनों आयतों की जो तशरीह हो सकती थी, वजाहत हो सकती थी, वो बयान हुई आयत नंबर 58 और 59। आयत नंबर 58 और 59 के जैसा कि बयान किया आयत नंबर 47 से, इन आयात का एक तसलसल चल रहा है जिसमें हज़रत मूसा की कौम यानि बनी इसराइल की नाफरमानियाँ और कौम बनी इसराइल पर होने वाली खुदावंद मुताल की तरफ से नेमतों का तस्किरा, आयत नंबर 58 और 59 के जिसमें ये बयान किया कि खुदावंद मुताल ने हज़रत मूसा के ज़रिए से कौम बनी इसराइल से ये कहा कि इस शहर में दाखिल हो जाओ और जहाँ से भी खाना चाहो खाओ और वदखुलुल बाबा सुज्जदा और दाखिल हो जाओ दरवाज़े से हालत खुजू और खुशू में। हालत खुजू और खुशू में और कहो हित्ता यानि हमारे गुनाहों को झाड़ दो, नग़फिर लकुम ख़ताय्याकुम हम तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ करेंगे, वसनज़ीदुल मुहसिनीन। खूब तर्जुमा हमने इसकी वजाहत कर दी थी और उसके बाद फिर एक आयत नंबर 59 में एक और नाफरमानी की तरफ इशारा कि जो हमने कहा उसकी बरखिलाफ़ उन्होंने कहा और उस कॉल को तब्दील कर दिया। हमने उनके इस जुल्म के ऊपर आसमान से रिज़्क़ को, अजाब को नाजिल किया और उस चीज़ के मुकाबले में कि जो इन्होंने फिस्क और इसियान किया। इस ज़िल में तकरीबन वजाहत तो सारी हो गई थी, हमने चाह के चंद रिवायतों का आपकी खिदमत में बयान कर दें। जैसा कि बयान हुआ कि हित्ता ये अमीर मोमिन सलामुल अलैह या अहले बैत अथार अल-मुस्लिम का एक लकब है। जैसे एक रिवायत के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि लिकुल उम्मतिन सिद्दीकुन व फारूकुन, हर उम्मत में एक सिद्दीक है और एक फारूक है।
सिद्दीक यानी तस्दीक करने वाला, फारूक यानी हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला, व सिद्दीक व हाजिल उम्मा व फारूक हा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, और इस उम्मत का सिद्दीक और फारूक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, कि इन अली सफ़ीनत नजातहा व बाबो हित्तहा, कि इस उम्मत का सिद्दीक और फारूक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, कि अली अलैहिस्सलाम सफ़ीनत नजातहा। खूब तवज्जो कीजिएगा कि यहाँ पर एक नुक्ता सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज कर दें कि जहाँ हमारे पास ये रिवायत के इन्नल हुसैन सफ़ीनत नजात, सैयद शोहदा सलामुल्लाह अलैह के लिए ये रिवायत है, लेकिन तमाम आयमाए अथार अलमुसलम सफ़ीने नजात हैं। अलाइयाल यहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि इन्ना अलियन अलैहिस्सलाम सफ़ीनत नजातहा, इस उम्मत की नजात का सफ़ीना कश्ती है, व बाबो हित्तहा, और हित्ते का बाब है यानि गुनाहों के मग़फ़िरत का बाब, कि आगे इसको एक और रिवायत बयान करेंगे। खूब यहाँ पर यह एक रिवायत, एक और रिवायत अमीर मोमिन सलामुल्लाह अलैहि से रिवायत है कि अला व इन्नी फीकुम अय्युहन्नास का हारून फ़ी आले मूसा व कबाब हित्तुन फ़ी बनी इसराइल, ए लोगो आगाह हो जाओ कि मैं तुम्हारे दरमियान जिस तरह आले फिरौन में हज़रत हारून थे, मैं हारून की तरह हूँ, और बाबे हित्ता की तरह हूँ बनी इसराइल में। एक और रिवायत है अमीरुल मोमिनीन इमाम बाकर अलैहिस्सलाम और अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि से, अब ये एक आयत की तरफ इशारा है। अगर ये आयत आप देखें तो सूरह बकरा की आयत नंबर 189, सूरह बकरा की आयत नंबर 189, अभी आयत क्या है मैं बीच से पढ़ रहा हूँ। वलैसल बिर बेअंतातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, नेकी ये नहीं है कि तुम घर की पुश्त से आओ, बल्कि नेकी ये है कि जो तक्वा इख्तियार करे और घरों के दरवाजों से दाखिल हो, घरों के दरवाजों से दाखिल हो। इस आयत के ज़ेल में अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये घर कौन से घर हैं, इज़ कुल नदखुलु हाज़िल क़रिया नहनुल बुयूतु लती अमर अल्लाह, हम है वो घर कि जिसमें जिसके बारे में खुदा ने मुताल ने कहा कि तुम आओ उसके दरवाज़ों से, नहनो बाबुल्लाह, हम अल्लाह का दरवाज़ा हैं, व बुयूतुहु लती यूता मिन्हु, और हम वो घर हैं कि जिसमें आया लोग आएँ। खूब क्यों आएँ अहले बैत के घर में, खूब यानि खुदा तक पहुँचने के लिए, दीन खुदा तक पहुँचने के लिए। बस उसके बाद अमीर मोमिन फरमाते हैं फमन ताबा अना व अकर्र बे विलायतना, जो हमारी इत्तबा करते हैं और हमारी विलायत को कबूल करते हैं, फ़कत अतल बुयूत मिन अबवाबिहा, यही वो लोग हैं कि जो इन घरों में दरवाजे से दाखिल हुए, जो हमारी विलायत को कबूल करते हैं और हमारी इत्तबा करते हैं। वमन खालफना व फजल अलैना गैरना, और जो हमारी मुखालफत करते हैं और हम पर किसी और को तरजीह देते हैं, हमारे अलावा किसी और को इमाम मानते हैं, किसी और को खलीफा मानते हैं, हमारे ऊपर किसी और को तरजीह देते हैं, वो लोग हैं कि जो घर के पुश्त से आने वाले हैं, घर के पीछे से आने वाले हैं। कुरान ने क्या कहा था सूरह बकरा की आयत नंबर 189 में, कि नेकी क्या, नेकी ये नहीं है कि इन लोग जो है वो घरों की पुश्त से आए, बैक से आए, ये नेकी नहीं है, बल्कि नेकी ये है कि जो दरवाजे से दाखिल हो। बस जो हमारी विलायत को कबूल करने वाला है,
वो दर हकीकत दरवाजे से दाखिल होने वाला है, जो हमारे अलावा किसी और की विलायत को कबूल करने वाला है, वो जो है वो दर हकीकत वो है कि जो घरों के दरवाजों से दाखिल होते हैं। खो या बाज पांच इमाम से रिवायत है कि नहनु बाबो हित्ततिकुम, तफसीर अय्याशी में है कि हम वो बाबे हित्ता हैं। अब हित्ता का मतलब क्या हो जाएगा, हित्ता का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम में ये जुमला है कि कुलू इन्ना सुजूदना लिल्लाहि ताज़ीमन लिमिसाल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अलीन अलैहिस्सलाम व एतिक़ादुना लिविलायतिहिमा हित्ततुन लिज़ुनूबिना व महवुल लिसय्यातिना। हमारा एतिकाद इन दोनों की विलायत, किन दोनों की विलायत, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि की विलायत और अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाहु अलैहि की विलायत, ये हमारा एतिकाद क्या है, हित्ततुन लिज़ुनूबिना, ये हमारी विलायत जो क्या वो हमारे गुनाहों की जलने का सबब है, यानी रसूल की विलायत को कबूल करना और अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाहु अलैहि मा की विलायत को कबूल करना, ये गुनाहों के जलने का सबब है। वह माह हो सही आते ना, और हमारे सयात हमारी बुराइयों के माह और ख़त्म होने का जरिया है। हो खूब, यहाँ तक ये यह आयत मुकम्मल हुई, आयत नंबर 66। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना ज़रिब बिअसाकल हजरा फ़न्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत ऐनन क़द अलिमा कुल्लु अनासिन मशरबहुम कुलू वश्रबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन। खूब, ये जो है वो जब कौम बनी इसराइल बयाबान में थी तो प्यास की शिद्दत की वजह से उन्होंने हज़रत मूसा से पानी का सवाल किया, अपनी प्यास की शिकायत की, पानी का सवाल किया। तो अब यहाँ पर हज़रत मूसा अपने कौम के लिए किस तरह पानी को दरियाफ्त करते हैं, उसको इस आयत में बयान किया जा रहा है, आयत नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 60। वह इज़्तस्क़ा, इस्तस्क़ा किसे कहते हैं, इस्तस्क़ा इसके जो रूट वर्ड्स हैं वो है सकैया, सकैया यानी सैराब करना, सैराब करना। हम हज़रत अब्बास का एक लकब मशहूर है सक्का सकीना, यानी वो पानी लाने वाले, ये उसी उसी फैमिली से ये ताल्लुक़ रखता है, इस्तिस्का सकया। इस्तिस्का को सकया को जब बाबे इस्तेफाल में ले जाते हैं तो तलब सैराब करदन यानी तलब करना। एक नमाज है नमाज इस्तिस्का, नमाज इस्तिस्का ये कौन सी नमाज है, तलब बारान के लिए है, बारिश को तलब करने के लिए एक नमाज है नमाज इस्तिस्का, नमाज इस्तिस्का बारिश को तलब करने के लिए, क्योंकि बारिश यानी पानी, पानी इंसान को सैराब करता है। तो यहाँ पर भी हज़रत मूसा तलब सैराब करदन यानी सैराब करने को
तलब कर रहे हैं, यानी पानी को तलब कर रहे हैं। किसके लिए? वह इज़े याद करो, वह इज़ यानी वह इज़ याद करो उस वक्त को, उस नेमत को, उसको, चूँकि ये हमने पहले बयान किया था, तो आयत नंबर 47 से रिलेट करती है सारी की सारी आयत। याद करो हमारी नेमतों को, जब हज़रत मूसा ने इस्तिस्का किया यानि तलब बारान किया, ले कौम ही अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के लिए तलब बारान किया, सॉरी तलब माँ किया, पानी को तलब किया, ले कौम ही अपने कौम के लिए। फिर क्या किया? फकुलना, फकुलना यानि खुदा कह रहा है, खुदा कह रहा है कि हमने हज़रत मूसा से कहा, फकुलना हमने हज़रत मूसा से कहा, इज़रिब, इज़रिब का मतलब होता है मारना, मारो। जब आप किसी को कहें इज़रिब यानि मारो, बे असा का, असा यानि वो असा, उर्दू में भी कहते हैं हम असा, वो लकड़ी जिसकी सबब जिसके ज़रिए से इंसान चलता है उसको असा कहते हैं। असा का यानि आपके असा को मारें, किस पर मारें? अल हजरा, हजर कहते पत्थर को, हजर कहते पत्थर को। इज़रिब बे असा कल हजरा, फनफजरत, इनफजरा का माना होता है फूटना। नमाज फजर के टाइम को फजर क्यों कहते हैं? फजर क्यों कहते हैं? क्योंकि मशरिक से एक सफ़ेदी फूटती है, ईस्ट से एक सफ़ेदी फूटती है, तो एक सफ़ेद सी लकीर आती है, वो फजर का टाइम है। तो चूँकि वहाँ से एक सफ़ेदी फूटती है, निकलती है, तो उसको फजर कहते हैं। इन फजरत यानि जब हज़रत मूसा ने अपने असा को मारा पत्थर पर, तो फन फजरत मिनहू, तो उस पत्थर से इन्फिजार हुआ यानि फूटा। क्या फूटा? इसना अशरता ऐनन, 12 चश्मे। ऐन अरबी में कई मानों के लिए आता है, आँखों के लिए भी ऐन आता है, सोना चांदी के लिए भी ऐन आता है, जासूस के लिए भी ऐन आता है, और चश्मे के लिए भी ऐन आता है। यहाँ पर ऐनन यानि वो चश्मा, फनफजरत मिनहू, तो उस पत्थर से 12 चश्मे फूटे। अब ये 12 चश्मे क्यों 12 थे, क्यों 12 चश्मे थे, एक चश्मा क्यों नहीं फूटा? और अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि जब हज़रत मूसा दरिया नील पर पहुँचे थे तो वहाँ भी 12 रास्ते निकले थे, सही ना, वो आयत गुजरी थी, 12 रास्ते निकले थे। और 12 रास्ते निकले थे क्योंकि हज़रत मूसा की जो कबीला, हज़रत मूसा की जो कौम थी वो 12 कबीलों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट थी, 12 कबीलों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट थी, और चूंकि वहाँ पर भी उन्होंने झगड़ा किया था तो 12 रास्ते निकाले थे हज़रत मूसा ने, ताकि हर कबीला वाला जो वो अपने रूट से जाए। तो यहाँ पर भी 12 चश्मे फूटे थे, 12 चश्मे, वाज़े हुआ कि 12 चश्मे क्यों फूटे, इसलिए कहते थे मूसा के बनी इसराइल में 12 कबीले थे और 12 कबीलों के एतबार से, ताकि ये आपस में ना झगड़ें। और अब यहाँ पर कुरान क्या बयान कर रहा है, तवज्जो करें कि अच्छा यहाँ पर एक नुक्ता चले वो आगे जाके बयान करते हैं। फनफजरत मिनहू, मिनहू यानि उस पत्थर से, इस्नता अशरा ऐनन, 12 चश्मे फूटे, कद अलिमा कुल्लु उनासिन मशरबहुम। तवज्जो करें, अलिमा यानि जानना, कुल्लु उनासिन हर शख्स, मशरब किसे कहते हैं कि उन्हें मशरब यानि उन्हें कहाँ से पीना है। अब 12 चश्मे हैं तो मुमकिन है कोई कहीं पर भी चला जाए,
सही ना, कोई कहीं पर भी चला जाए। तो यहाँ पर कुरान बयान कर रहा है कि ऐसा नहीं कि हमारा ये काम बाई से झगड़ा और फसाद हो जाए, बल्कि कद अलिमा कुल्लो उनासिन मशरब हूँ, हर शख्स जानता था कि उसका मशरब क्या है। मशरब शुर्ब से निकला है, शुर्ब यानि, शुर्ब का मतलब होता है पीना, मशरब यानि जहाँ से पिया जाए। मशरब का मतलब क्या, जहाँ से पिया जाए, वो मकान जहाँ से पिया जाए उसको मशरब कहते हैं, सही ना। खूब हर शख्स जानता था कि उन्हें कहाँ से पीना है। खूब कुलू, उसके बाद कुरान कहता है उस कौम बनी इसराइल को, खाओ, वशरबू और पियो, मिन रिज़्क़िल्लाह, अब ये अल्लाह का रिस्क है, सही ना। हर रिस्क अल्लाह का रिस्क है, लेकिन ये तैयब व ताहिर रिस्क है जो खुदा मुताल ने इनको अता किया। वशरबु मिन रिज़्क़िल्लाह वला तासव, असा किसे कहते हैं, ऐन से अलिफ हमजा, असा, ऐन से सवाब वाला से, सवाब वाला से अलिफ और हमजा, असा का मतलब है शिद्दत फसाद, बहुत शदीद फसाद। खाओ पियो मिन रिज़्क़िल्लाह वला तासव फिल अर्ज मुफ़सिदीन, और जमीन पर, और जमीन पर फसाद ना करो। यहाँ पर एक सवाल जवाब है, वो इंशाल्लाह आगे जाके बयान करते हैं। वला तासव, तासव का मतलब होता है फितना फसाद करना, जमीन पर फसाद ना करो। खूब बस यहाँ पर जो है वो जब कौम बनी इसराइल ने शिद्दत प्यास की वजह से शिकायत की तो खुदावंद मुताल की तरफ से ये वही आई, और इस तरीके से हज़रत मूसा ने पत्थर पर अपना असा मारा और 12 चश्मे फूट गए, फूट पड़े। तवज्जो करें, यहाँ पर सूरह आराफ, सूरह आराफ में जाकर देखेंगे आयत नंबर 166, तो वहां पर भी ये तस्किरा है, लेकिन वहां पर ये आया है फन फजरत की जगह आया है फन बजसत। सूरह आराफ आयत नंबर 160 में क्या आया है, फन बजसत, इनबिजास, यहां पे इनफिजार है, वहां पे इनबिजास का है। कहते कि इन बिजास में क्या है, वहां पे क्यों इन फन बजसत है, यहाँ पे फन फजरत है, तो अल्लामा तबरसी साहिब मजमुल बयान फरमाते हैं कि फन 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 बजसत उसका रूट वर्ड है बे जीम सीन बजसा, फन बजसत उसके रूट वर्ड है बे जीम सीन, इसके रूट वर्ड्स क्या हैं फन फजरत के, फजर फे जीम रे, उसके रूट वर्ड हैं फन बजसत। अल्लामा तबरसी कहते हैं कि जाहिर बजाहिर या शायद जो है वो इनबिजास किसे कहते हैं, इनबिजास कहते हैं कि जब पानी थोड़ा थोड़ा करके आए, थोड़ा थोड़ा करके आए तो उसको इनबिजास कहते हैं। तो पहले जो है वो उनके लिए थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, और बाद में वो फनफजरत यानी अब उसकी शिद्दत, उसका प्रेशर बढ़ गया, उस पानी का प्रेशर बढ़ गया तो वो इन्फिजार हो गया। अब यहां पर एक सवाल है, तवज्जो करें, सवाल क्या है, आयत का टुकड़ा देखें क्या है, आयत का आखिरी हिस्सा, ला तासव फिल अर्ज मुफ्सिदीन, जमीन में फसाद करने वाले मत बनो। खूब दो फसाद के लफ्ज आए हैं, तासव ऐसा का माना भी क्या था, ला तासव, ला तासव के रूट वर्ड्स क्या हैं, रूट वर्ड्स क्या हैं, ऐन से अलिफ हमजा ऐसा, इसका माना भी फसाद है। फिर कुरान कह रहे हैं ला तासो फिल अर्ज मुफ्सिदीन, फिर मुफ्सिद का लफ्ज आया, तो दो दफा मुफ्सिद का जायद है, एक्स्ट्रा है, क्या जरूरत है इसकी, सही ना। तो अल्लामा तबरसी जो को इसका
जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं कि तवज्जो करें, कभी कभार मुमकिन है एक अमल ज़ाहरी तौर पर तो फसाद वाला हो लेकिन मुमकिन है वो मसलहत रखता हो, सही ना, बज़ाहिर फसाद वाला अमल है लेकिन उसके पीछे एक मसलहत है। मिसाल देता हूँ, मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, अगरचे समझाने के लिए मिसाल कि मिसाल के तौर पर जो वो खुदावंद मुताल की तरफ से जो इम्तिहानात होते हैं तो मुमकिन है लोग ये कहें कि ये तो फसाद है, मतलब जलजला आ गया या कोई बला आ गई लेकिन इसके पीछे मसलहत है, हिकमत इलाही है, सही है ना। तो अल्लामा तबरसी फरमाते हैं कि यहाँ पर ला तासो फिल अर्ज मुफसदीन, ये मुफसदीन को दूसरी दफ़ा लेकर आए, यानी इनसे ये कहा कि जाहिर और बातिन तुम्हारा फसाद से खाली होना चाहिए, यानी तुम्हारी रूह, तुम्हारी हकीकत जो है वो हर चीज़ को फसाद से खाली होना चाहिए। ये इस तरीके से इन्होंने अल्लामा तबरसी ने इसको बयान किया। मुमकिन एक और जवाब दिया जाए जो अल्लामा तबरसी ने नहीं दिया है लेकिन मुमकिन है यहाँ पर एक और जवाब दिया जाए, वला तासो फिल अर्ज मुफसिदीन, कि ये मुफसिदीन जो है वो ताकीद हो जाए, तासव के लिए, तासव के लिए ताकीद हो जाए, कि ये बहुत ज़्यादा अरबी जबान में इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज़ को भी ताकीद के लिए, शिद्दत को बयान करने के लिए बयान किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ रिवायात है उसको देखते हैं, कैसे थे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि इन कौम मूसा लम्मा शकौ इलैहिल जद्बा वल अतशा, जब हजरत मूसा की कौम ने शिकायत की थकावट और प्यास की शिकायत की तो उस वक्त हजरत मूसा ने, अच्छा उन्होंने हजरत मूसा से पानी को तलब किया, हजरत मूसा से उन्होंने पानी को तलब किया कि आप हमारे लिए पानी का बंदोबस्त करें, तो हजरत मूसा ने उनके लिए पानी का बंदोबस्त किया। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से एक और रिवायत है, फरमाते हैं इस रिवायत के मुताबिक कि नज़लत सलासतु अहजार मिन अल-जन्नत, जन्नत से तीन पत्थर उतरे हैं, जन्नत से तीन पत्थर उतरे हैं, एक मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम कौन सा मकाम है, वो गोल्डन जो खाने काबा के सामने एक गोल्डन सी सोने की शक्ल में जो एक जगह है जिसको मकाम इब्राहिम कहते हैं, अगर वहाँ पर आप ज़ियारत करें तो वहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों कदमहाय मुबारक के निशाना थे, एक काले पत्थर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशाना थे। ये वो पत्थर है कि जिस पर वो खड़े रहकर खाने काबा की तामीर की थी। तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम इस रिवायत के मुताबिक इरशाद फरमाते हैं कि ये जो मकाम इब्राहिम का पत्थर है ये आसमान से नाजिल हुआ है, ये एक पत्थर। दूसरा अलहजरुल अस्वद, वो जो हजर अस्वद है जो एक खाने काबा के एक कोने पे लगा हुआ नस्ब है, लगा हुआ है हजर अस्वद, ये भी जो है वो आसमान से नाजिल हुआ कि जिसकी एक पूरी तारीख है कि एक फरिश्ता था वगैरह वगैरह। और तीसरा कौन सा पत्थर है, वो यही पत्थर है हजर बनी इसराइल, बनी इसराइल का पत्थर, और बनी इसराइल का कौन सा पत्थर जिस पर हजरत मूसा ने अपना असा मारा था। खूब ग्यारहवें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि ये जो 12 कबीले हैं ये कौन से 12 कबीले हैं, ये जो 12 कबीले हैं कौम बनी इसराइल में, ये हजरत याकूब के 12 फर्जंद, हजरत याकूब के 12 फर्जंद थे जिसमें एक हजरत यूसुफ और इनके अलावा बाकी 11 फर्जंद। तो इन 12 फर्जंदों की औलादों से जो कबीले बने थे हजरत याकूब के 12 फर्जंद, उनसे जो कबीले बने थे यानी उनकी जो नस्लें चली थी और जो भी उनके कबीले बने, तो ये वो कबीले थे जो कौम बनी इसराइल के 12 कबीलों में से थे।
आयत नंबर 61, आयत नंबर 61, इस आयत को हम सरसरी फिलहाल देख लेते हैं और इंशाल्लाह फिर इतवार को इस आयत को कंटिन्यू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक और नाफरमानी की तरफ इशारा कर रही है आयत, एक और उनकी हठधर्मी, नाफरमानी, कजरवी और बेजा शिकायतें, उसकी तरफ ये आयत जो वो बयान कर रही है। व इज़ क़ुल्तुम, और ए कौम बनी इसराइल, रसूल के ज़माने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वाले अपनी हरकतों को याद करो, उज़्कुरू, याद करो। व इज़ क़ुल्तुम, जब तुमने क्या कहा था, या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा अला ताअमिन वाहिद, हम जो है वो, क्योंकि इनके ऊपर मनुसलवा नाजिल हुआ था, सही ना। तो देखें कौम में नाशुक्री कौम क्या होती है, ये इंसान नाशुक्रा क्या होता है कि जब एक नेमत मिलती है तो एक नेमत से मुतमईन नहीं होता है, फिर उसके दिल में हवस पैदा होती है, मुझे वो नेमत भी हासिल हो जाए। जब खुदा वो नेमत देता है तो हवस हासिल होती है, अब ये भी हासिल हो जाए, अब वो भी मिल जाए। एक घर मिला, अब उससे बड़ा घर मिल जाए, बड़ा घर मिला, अब उससे बड़ा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिली, उससे अच्छी गाड़ी मिल जाए। ये इंसान क्योंकि दुनिया जो है वो जिसमें हवस और ख्वाहिशात मुकम्मल होने वाली नहीं है, तमाम होने वाली नहीं है, बल्कि इंसान जो वो अपनी ख्वाहिशात को के ऊपर जो काने नहीं होता है, मुतमईन नहीं होता है खुदा की दी हुई नेमतों पर। तो हर कौम बनी इसराइल का भी यही हाल था। कहते हैं कि या मूसा लन नस्बिरा अला ताअमिन वाहिद, हम एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते हैं। ये जो रोज़ रोज़ मन्नो सलवा आसमान से मुर्ग उतर रहा है, जिसकी तशरीफ ऊपर गुजर चुकी है, सही ना, मुर्ग उतर रहा है, भुना हुआ मुर्ग उतर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हम सब्र नहीं कर सकते हैं, लन नस्बिर अला ताअमिन वाहिद, हम एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते हैं। फदऊ लना रब्बक, बस आप मांगिए खुदा से, फदऊ मांगिए आप खुदा से, लना हमारे लिए, हमारे लिए मांगिए, किससे मांगे, रब्बक अपने रब से, रब काफ यानी तुम्हारे रब से, आपके रब से, हमारे लिए मांगिए। क्या मांगिए, युखरिजु लना युखरिजु लना मिम्मा तुम बेतुल अर्ज़ा, के हमारे लिए जो ज़मीन उगाती है वो हमारे लिए भी निकाले, वो हमारे लिए भी उगाए, युखरिज खारिज करे लना हमारे लिए उन चीज़ों में से जिसको ज़मीन उगाती है, मिन बक़लिहा व क़िस्सा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। मुर खा खा के ये लोग परेशान हो गए थे, तो अब दाल रोटी का सवाल कर रहे हैं, मुर खा खा के परेशान हो गए थे, तो अब दाल रोटी का सवाल कर रहे हैं। कहते हैं खुदा से हमारे लिए सवाल कीजिए, किस चीज़ का, मिन बक़लिहा, कि सब्जी हमारे लिए लाई जाए, व क़िस्सा खीरा, क़िस्सा खीरा, वफ़ूमिहा लहसुन, व अदसिहा दाल, व बसलिहा प्याज। ये अब हमारे लिए सवाल कर रहे हैं, हम गोश्त खा खा के थक चुके हैं, अब हमें ये खाना है, सब्जी दाल खानी है हमें। तो खुदावंद मुताल ने कहा, काला अतस्तब्दिलून अल्लज़ीन हुआ अदना बिल्लज़ी हुआ खैर। तो कुरान काला, तो हज़रत मूसा ने, ज़ाहिर हज़रत मूसा जब ये कलाम कर रहे हैं तो खुदा का फरमान है, खुदा के वही के मुताबिक कलाम कर रहे हैं। अतस्तब्दिलून अल्लज़ीन हुआ अदना बिल्लज़ी हुआ खैर,
आ क्या है अ क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन है क्या तस्तब दिलूना, इसके रूट वर्ड्स क्या है बदला बदल देना, क्या तुम बदल देने को तकाजा कर रहे हो कि तुम्हारे बदल दिया जाए तब्दील कर दिया जाए। अल्लज़ी हुआ अदना, जो उस चीजों की निस्बत पस्त है जो हमने तुम्हें दिया था। अल्लज़ी हुआ खैर, यानी अतस्तब्दिलून अल्लज़ीन हुआ अदना बिल्लज़ी, क्या वो चीज क्या तुम तब्दील करना चाहते हो लेना चाहते हो वो चीज जो अदना है उस चीज के मुकाबले में जो तुम्हारे पास खैर है। वो क्या है खैर तुम्हारे पास मन्नो सलवा, और तुम ये इन चीजों का सवाल कर रहे हो। अब अगर यही अगर तुम्हारी ख्वाहिश है इस बे तुम मिसरा के इंशाल्लाह इसकी मजीद तशरीह इंशाल्लाह संडे इतवार वाले उसमें जो इंशाल्लाह तमाम मजीद इसकी वजाहत करेंगे। इस बे तुम मिसरा कि ये मिस्र से मुराद क्या है कि शहर की तरफ उतर जाओ फइन्ना लकुम मा सअलतुम, तो वहां पर तुम्हारे लिए वही है जो तुमने सवाल किया। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़ुल्ला वल मस्कना, और तुम्हारे लिए जो है वो जिल्लत और फ़क्र व फाका है कि इंशाल्लाह इसकी वजाहत करेंगे। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़ुल्ला कि जिल्लत है तुम्हारे लिए और फ़क्र व फाका है। वबाउ बिग़ज़ब मिनल्लाह है, और तुम जो कि वो पलट जाओ अल्लाह के गज़ब की तरफ। कि ज़ालिका बिअन्नहुम कि ये तुम्हारा जो को काम जो है वो बिअन्नहुम कानू यकफुरून, ये इस वजह से है कि तुम लोगों ने अल्लाह की नेमतों को इनकार किया। हमने जो नेमतें दी उस पर तुम काने नहीं हुए, उस पर तुम खुश नहीं हुए। अब ये कोई तारीफ नहीं है इनकी, यानी ये बाज़ लोगों ने एहतमाल दिया, मुझे नहीं मालूम कि इस एहतमाल की कोई वजह नहीं बनती कि बाज़ लोगों ने एहतमाल दिया कि उनका ये सवाल करना मुबा था, क्योंकि एक मुबा से दूसरा मुबा की तरफ जा रहे हैं। खुब अगर एक मुबा काम से दूसरे मुबा काम की तरफ जा रहे हैं तो फिर क्यों कुरान इस तरीके से कह रहे हैं वबाउ बिग़ज़बिल्लाह, पलट जाओ अल्लाह के गज़ब की तरफ जो अल्लाह की तरफ से है। और ये इसलिए है कि बेअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, तुम अल्लाह की आयात की कुफरान नेमत करने वाले हो। वह यकतुलूना नबीयीन, अब ये कौन से अंबिया था इंशाल्लाह इसको बयान करेंगे। और तुम वो हो और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अंबिया को कत्ल किया बग़ैर हक़, बगैर किसी सबब के, बगैर किसी मुजाब के, बगैर किसी वजह से। ज़ालिका बिमा असौ, ये इस वजह से कि इन्होंने मासियत की। वकानू यअतदून, और ये हक के रास्ते से पलट गए। ये आयत नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 61 है कि इंशाल्लाह इसकी तशरीह और मजीद जो इसके बारे में इस ज़ेल में जो अल्फाज हैं उसकी मजीद वजाहत के लिए इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी वजाहत करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।